गाइस वेलकम टू द न्यू एपिसोड। दोस्तों 5 बजे उठा था मैं और अभी बज चुके हैं 7:15। चाय पी रहा हूँ और चाय पी के निकलते हैं भिवाड़ी, माँ जी को दवाई दिलवा के लानी है। आज ट्रेन में जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी पापा लेके गए हुए हैं, तो ठीक है चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। ट्रेन का सफ़र दिखाते हैं आज आपको, दवाई दिलवा के लानी है, एलर्जी की जो दवाई चल रही है ना माँ जी की वो। ठीक है आप ऐसे ब्लॉग में बने रहो, तो चलो चलते हैं। ये पावर देख रहे हो आप ये पावर, ये पैडियो में चढ़ने की पावर देख रहे हो इस रेलवे स्टेशन पहुंच गए। क्या बजे की आवाज़ गाड़ी? 8 बजे। आप हंसते हो ना, आपकी खिड़की खुल जाती है तो कितना है आगे आगे चाल है जनरल डब्बा को लागे, आगे लागे जनरल डब्बा बताओ फिर है माँ जी, जोर से बोल क्या? जो भी तेन बोल रहा आज सारी बड़ास काट ले, कई दिल हो गए थे वीडियो में कोई आई, लोग पूछा तेरी दादी कड़े गई, फिर क्या बताऊँ आपके बारे में। दवाई लेने 8 बजे गाड़ी आओगी? अच्छा चढ़ गए मेरे कितनी पेड़िया। ये हिसार जंक्शन है, सांस चढ़ गया आज गाड़ी को नहीं मिली नहीं माजी तो ठेठ राम दा बैठी गाड़ी में जाया करे आज गाड़ी गई है हमारी और क्या कर पोछा मारने की मशीन है कहता एक झाड़ू मारा गल्ला गल्ला पोछा मारा क्या बढ़िया डायलॉग बात ही देखने को मिलेगी आज आपको। रुकिए माँ जी एक बार, अच्छा इसी रास्ता है पर हाँ कितनी सेवा कर रहे हैं बेचारे, काम है मम्मी इनका, क्या करें कोई बात नहीं, मोदी ने यो काम तो बढ़िया कर रखे, पहले जो इतना गंद दिया कर तो भाई इस पे बैठा है कर रहे किल्ली होगी तो सूखा कपड़ा को नहीं है बाबा बनू अच्छा जटादारी बाबा डाडी मुछाला फिर माजी सुना दे क्या कहना चाहिए अपने लोगों को, देख कैसे दारी वाला बाबा दारी वाला बाबा देख लो दारी वाला बाबा कहाँ पे जा रहे हो माजी आज? आप आज भाई जावा हाँ बियाणी, बियाणी बियाणी नहीं होता भिवाणी होता है, लोग दूर दूर के लोग देखते हैं वो कहेंगे ये बियाणी के है भिवाणी हाँ भिवाणी हाँ। भिवाणी क्यों जा रही हो माँ जी आप? भाई मेरा ना एलर्जी हो रही, मैं दवाई ले आऊँ। दवाई ले आओगे? हाँ अर्जुन ना दुआ के आवा और तेन डाल लाऊँ अपने फिर आसी आसी घुमा लाऊँ चाल तेरी मर्जी, मैं तो तेरे पद छोड़ रखी है भाई, और माँ जी ने मेरा बैग और इकड़े जाना है, मैंने कुछ कर दिया भाई, मैं तो अनपढ़ जनता हूँ, अनपढ़ जनता अनपढ़ जनता सारा मेरा सारी दुनिया में धक्के खा रही है, मैं अनपढ़ जनता हूँ क्यों है, मेरे पोता तो पढ़े लिखे है, मैंने कंधे बैठा ले ओ बैठा ले बस ज्यादा पढ़ाई ना मारे करो लोग पागल हो जाएंगे, नजर होगी तो मेरे पागल मेरे नजर कर दी दो खिड़की दिख रही है आपके सोने का दांत लगवा दे, हाँ भाई कमेंट कर दो सोने का दांत लगवा देंगे सही बात तू जल्दी से नौकरी लग जा पड़ी तेरा खूब काम चल रहा है फिर सोना का दांत लगवा सोने का पक्की बात है पक्की जाड़ भी सोने की पूरा जबाड़ा सोने फिर मैं मरू ना जब काटी हो ना मेरे साथ जाओगे अच्छे बोल तो सोने गए तो साथ तेरे दो चार हार दर दुआ जान दे बात तो कुछ बड़ा आर्डर थे
सोना से मुक्ति बनती हो तो तेरी है मुक्ति तो देख अपन जो जो इस कर्म में भोगड़े हरी वो तो भोगड़े पड़ेगी। सही बात है, आगे तो मुक्ति दे देगा भगवान, अच्छा जन्म देगा वो तो, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा। मेरी आंखों में नींद दिख रही है आपको? नींद ना को नींद है भाई, नींद तो आगे जाओगे नींबू बनाने के नाम है उनको के बनाने के ये के बनाओ होता है वीडियो ब्लॉग। हाँ कहाँ पे जाऊँगा, साइकिल पे वो टूर पे? हाँ हाँ पे टूर पे जाओ जब किस तरह उठा। अरे माँ जो उस दिन इतनी थकान हो जाए ना, सोच कड़ा पड़े हाँ कद उठा बेरे खुर पड़े उसमें तो फिर नहीं है, सुबह वो सुनना हो जाए बॉडी पूरी। इस टाइम तक तो तुम्हें 100 किलोमीटर का सफर कर लियो। हाँ तो कर लेते हैं, सोवो को किस तरह नींद किस तरह पूरी नींद दिन में भी कौन सो रात में भी कौन सो रात में तो फिर क्या करेंगे, नहीं मान लो 5-6 बजे हम ना ठिकाना ढूंढ लेंगे मतलब अंधेरा होने से पहले खाना खाया ड्रिंक करी और सो गए, क्या दिक्कत है। सारा हिसाब देखना पड़ेगा, शरीर टूटन भी तो लग गया, 12 किलोमीटर कम हो गया मेरा इस ट्रिप में। हाँ, मारो भी 74 किलो था, 62 किलो हो रहा है। मेरा काम भी गूंद आ गया रो, सर हम गूंद के लड्डू दिया करके आप देख किसे मारो, जैसे चीज झूठ कुन बोलो मेरे को तो एक 15 दिन रोज है ना, मैं तेरे 15 किलो वेट बढ़ा रोज का 1 किलो है। खाड़िया भी तो हूँ मैं, खाने का भी जी कौन करे मेरा, टेंशन तो फिर हो गई है ना भाई। टेंशन तुम्हें भी है ना मेरी, तुम्हें टेंशन है? ये जो देख रहे हैं इनको मेरी टेंशन है क्या? ये जो मेरे को देख रहे हैं माजी, ये कैमरे में ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इनको मेरी टेंशन है? टेंशन तो इनको क्यों होगी, टेंशन तो इनको होगी, इनको नहीं चाहिए, ये सब्सक्राइब करवाएंगे जल्दी तो। कर दो भाई कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, ज्यादा तेज नहीं बोल सकते, पब्लिक एरिया है। गाड़ी आ गया, सारे बालक तैयार हो लिए, ये सारे उक्के वाले जी, हम भी कभी ऐसे ही जाते थे, मतलब मैं क्रिकेट में जाता था ये उक्के के। गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, ये 1-2-3 किसान है। भीड़ कैसे बैठोगे है? सो गाइस 8 मिनट लेट चल रही है अपनी किसान एक्सप्रेस, अब डिपार्चर हुआ हिसार से, 8 बजे की टाइमिंग है, 8:08 पे निकल दिया। दो घंटे कहाँ लेती है, अपना तो रोड खराब है, वरना पहले आ जाए अपन। अब अपने को चलना है रोहतक गेट। सो गाइस फाइनली 10 मिनट पहले पहुंच गए भिवानी जंक्शन। इसका 9:25 का टाइम है, अभी 9:16 हुए हैं। मेरी गर्लफ्रेंड, ग्रैंड गर्लफ्रेंड, ग्रैंड गर्लफ्रेंड मेरी दादी है, गर्लफ्रेंड है मेरी आज से। ये देखो कैसे जा रहे हैं, थोड़े बड़ा वाली गर्लफ्रेंड कैसा लग रहा है, टुक टुक गाड़ी में बैठ गए। गर्लफ्रेंड कैसे हो आप? गर्लफ्रेंड बढ़िया हूँ, बढ़िया गए मेरी गर्लफ्रेंड कह रही है बढ़िया हूँ। टुक टुक गाड़ी में बैठ के तो बहुत मजा आ रहा है। अरे अब ये लगा दिया 3,000 सवेरे गर्लफ्रेंड ने मेरे। ठीक है भाई चला गए रेलवे स्टेशन, 11 बजे आई तो छूट ली गाड़ी, 11:15 बजे की है। देखो जो लेट हो रही होगी तो मिल जाएगी, नहीं फिर 11:15 बजे आओगी, 12:15 बजे, सॉरी 12:20 में। तो
ऐसे व्लॉग में पड़े रहो, गर्लफ्रेंड के साथ मैं टुक टुक गाड़ी में मजे ले रहा हूँ। गाइस भिवानी जंक्शन स्टेशन पहुंचे, देखते हैं 11:15 वाली मिलती है नहीं। मिल जाएगी, अरे इनने क्या पूछेगी, जो इंक्वायरी काउंटर हो उनने पूछेंगे। सो गाइस 11:15 वाली तो छूट गई भाई। किसने छुड़वाई है, किसने छुड़वाई है, ये कौन है? बुड्ढी गर्लफ्रेंड, डरती नहीं है गर्लफ्रेंड। ऐसे मेरी ऐसे ऐसे बैठे थे टुक टुक में। 12:15 बजे आएगी दादी गिरजा टुक टुक में। जयपुर हिसार मतलब पैसेंजर एक्सप्रेस ऐसे ही कुछ है, उसी की अनाउंसमेंट है। रनिंग ऑन टाइम 12:15 PM। एक तो माजी ना मेरा दिमाग खराब कर रखा है, तो फिर बाद में बना लेना, मैंने नहीं करना, एक बार तो बात करना। ऐसे लगेंगे 150 रुपया लेगा, 150 पहले दे, फिर का नहीं सारे दे पहले। ठीक है भाई, 12:15 बजे आएगी और टाइम देख सकते हैं आप, अभी आधा घंटा हो रहा था, 11:45 हो गया, आधे घंटे बाद आएगी गाड़ी। तो इतने ऐसे ही आप लोग में बने रहो। तो अभी गर्लफ्रेंड को दवाई दिला लाया हूँ मैं, बूढ़ी गर्लफ्रेंड अपनी, मतलब बूढ़ी नहीं मतलब ग्रैंड गर्लफ्रेंड, ग्रैंड गर्लफ्रेंड डैडी मुच्छो वाली। और एक नाम और भी निकाल के मेरे इसका, दाढ़ियों वाला बाबा। मेरे को कह रही है दाढ़ी कटवा ले, बाबा लागा मैं, बाबा बनना है मैं। बाबा बनवा मैं, सही लग रही है ना, सही लग रही है, गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आ रही फाइनली आ चुकी है। WDM3A लगा हुआ है, इसमें डीजल इंजन है और लेट चल रही है अपने निर्धारित समय से, 12:44 पे अराइवल हुआ है। वैसे टाइम है इसका 12:25। देख रहे हो गाइस बुड्ढे आदमी, बुड्ढे आदमी देख दारी वाला बाबा। पहुंच गए भाई, सार पहुंच गए, सार पहुंच गई बाजी, ले आई तो भाई आपकी वजह से 3 घंटे लेट आए हो भाई सार, वरना गाड़ी में आते ना कितनी जल्दी आ जाते। गोरी चिट्टी दिख रही तो इसमें। ठीक है भाई चलते हैं घर पे। दोस्तों भाई आते ही सोया था रोटी खा के, और अब टाइम देखो यार ऊपर आप 7 बज रखे हैं, अभी भी यार धक्के मार के उठाऊँ बहुत जोर की नींद आ रही थी। मम्मी ने उठाया, कुछ सामान लेके आना घर का, सब्जी वगैरह लेके आनी है, तो चलो पूछता हूँ क्या लेके आना है, सब्जी लेके आते हैं फिर आके मिलता हूँ आपसे। अभी भी नींद आ रही है यार बहुत जोर से, पता नहीं क्या हो रहा है, आते ही सोया था अभी भी नींद आ रही है। ठीक है मम्मी से पूछते क्या लेके आना है और लेके आते हैं सामान। ठीक है माँ जी को दवाई दिलवा लाया हूँ भिवानी से, और अभी आज शाम को इवनिंग में जब मैं वॉकिंग करने गया था, जब साईं बाबा की पालकी देखी थी मैंने जाती हुई, मतलब या तो वो मंदिर में नई मूर्ति स्थापित हो रही थी या पता नहीं कुछ ऐसा ही सीन था। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग में एक और नए दिन के साथ। ओके बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। नहेरा मलाई ते सरी माया बसरा है बेसरी, भुलाऊ भन्छौ आज तिमी तर